Texas, Kumara Manoj from Kota. I am just willing to meet you very soon. आ रहा हूं मैं आपके शहर में बहुत ही जल्द. पहले से एक्सपेक्टेड था मेरा आपके यहां आना इस महीने के 25 से 26 तारीख को, बट ड्यू टू कोरोना वायरस ये थोड़ा सा डेट एक्सटेंड किया गया है सरकारी परेशानियों को देखते हुए और कोरोना वायरस की परेशानियों को देखते हुए. तो अगले मंथ के सेकेंड वीक में पॉसिबली मेरा आना होगा. ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सिंपल सी दो बातें शेयर करना चाहता हूं. वैसे आज पूरे इंडिया में लगभग 10th का और 12th का एग्जामिनेशन चल रहा है. तो वैसे विद्यार्थी जो IIT के एस्पिरेंट्स हो, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने जनवरी राउंड एग्जामिनेशन दिया हुआ है, उनका बोर्ड एग्जामिनेशन है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में अब आप सिंपल सा देखेंगे 6-6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक IIT का मेन्स का होना डिसाइडेड है. तो कुल मिलाकर आपके पास 20 से 22 दिन बचते हैं या लगभग 20 दिन बचते हैं. तो ऐसे इस रिजल्टेंट ये जो बहुत शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट स्पान में आपके पास एक ही स्ट्रेटजी होगी, एक तरीका बनाना होगा कि आप उसको कैसे अपने शेड्यूल को टाइम को डिसाइड करें, डिवाइड करें कि आपका प्रॉपर आपकी प्लानिंग आपकी प्रॉपर आपका स्टडी शेड्यूल कंटिन्यू रहे. आज जब गवर्नमेंट ने सारे कोचिंग संस्थान, सारे स्कूल, सारे महाविद्यालय, सारे थिएटर्स, सारे गैदरिंग पॉइंट्स को जो क्लोज करने का, बंद रखने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इसमें नेगेटिव में से आप एक पॉजिटिव खोजें कि आपको घर पे बैठकर काम करने का मौका दिया गया है. तो ऐसे में आप क्या करें, हर स्टूडेंट्स अपने 11th या 12th में अगर किसी कोचिंग में क्लास करता है तो उसके पास औसतन 12 से 14 कॉपी उनके पास होते हैं. लगभग 250 से 300 पेज की एक कॉपी होती है. 12 से 14 कॉपी को मैं केवल 12 कॉपी ही अगर मानता हूं, एक कॉपी को पढ़ने में अमूमन 12 से 14 घंटे लगते हैं. मतलब पूरा एक डे लग जाता है, जो सोना भी आपको है, बाकी काम भी करने हैं. तो एक बच्चा एवरेज मैक्सिमम 12 से 14 घंटे पढ़ता है. तो एक कॉपी पढ़ने में अमूमन आपको जो 12 से 14 घंटे लगेंगे, तो पर डे एक कॉपी आप रिवाइज करें तो अल्टीमेटली पाएंगे कि 14-15 दिन होते होते आपने काफी अच्छे तरीके से पूरे कॉपी को आपने पढ़ लिया है, पूरे शेड्यूल को आपने चेक कर लिया है और हर उन चीजों को जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जो इम्पोर्टेंट लगता हो, उसे हाईलाइट करते चले. अल्टीमेटली आप पाएंगे कि आपका रिविजन का स्तर काफी डेवलप हो गया है. और मैं तो देखता हूं वैसे छात्र जिन्होंने जनवरी राउंड में लास्ट ईयर में बात आई जस्ट शेयरिंग यू द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट द कैंडिडेट्स जस्ट आई एम नेमिंग द कैंडिडेट्स 3-4 कैंडिडेट्स आई एम नेमिंग यू जिनका मार्क्स 10th percentile से 99.8 तक आया है. आप जानते हो अगर आपने गूगल पर सर्च करेंगे तो ऋतिक पाटीदार ही हैज गॉट ओनली 10.6 मार्क्स 10.6 percentile इन जनवरी राउंड एग्जामिनेशन बट इन अप्रैल व्हाट ही गेट ही हैज गॉट 99.82 percentile. इसका मीनिंग क्या निकलता है, आपकी तैयारी में दिशा होनी चाहिए, आपके तैयारी में डायरेक्शन चाहिए और आपका डेडिकेशन चाहिए. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जनरल राउंड से कोई ना कोई गलती हो गई होगी, या तो उसका तबीयत खराब हो गया होगा या कोई परेशानी आ गई होगी. तो आपको हर हाल में पूरे सहमत होकर के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है अप्रैल राउंड की. अब मैं सेकंड नाम आपको बताता हूं. दूसरा नाम है मनीष कुमार, इसका परसेंटाइल था 16.1 percentile मार्क्स था जनवरी एग्जाम में 2019 में. अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल में इसका परसेंटाइल आता है 99.29. तो आप देखिए दोनों का डिफरेंस कहां 16, कहां आपके पास है 99.2. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. एक वो बच्चा जो बहुत कम वेटेज मार्क्स ला पा रहा है, आखिर उसने कितनी मेहनत की होगी. तो मेहनत नहीं, सही डायरेक्शन में उसने काम किया और आज उस मुकाम पे पहुंचा. वो इंडिया का जो बेस्ट NIT है, नाउ ही इज विद बेस्ट NIT ऑफ इंडिया. उसे इंडिया के जितने भी बेस्ट NITs है, जितने बेस्ट ब्रांचेस है, वो ऑफर हुए. थर्ड में नाम देता हूं राहुल पांडे, जिसका परसेंटाइल था जनवरी राउंड में 34, लेकिन दिसंबर आपका अप्रैल राउंड में उसका परसेंटाइल 98% आता है. तो 34 से 98 पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है. ये अलग बात है कि राहुल पांडे ने लास्ट ईयर ज्वाइन नहीं किया और वैसे बच्चे इस साल की फिर तैयारी कर रहे हैं.
तो आप पास ऑप्शन होता है, समय होता है। एक नाम और बताता हूं, सुर भमर, इसका परसेंटाइल था 32, इसका परसेंटाइल जनवरी में 32% था, लेकिन अगर आप टोटल देखें तो इसका अप्रैल राउंड में इस बच्चे का परसेंटाइल 99.3% था। ये जो गैप है ये आपके जंक्शन टेम्परामेंट को शो करता है कि डिफरेंट डेट में एक ही बच्चा दो एग्जाम देता है तो उसके मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। कभी कभी माहौल हमारे अनुकूल नहीं होता, कभी कभी कोई क्वेश्चन हमें सपोर्ट नहीं करता, उन चीजों से लड़ना होगा, उन चीजों से बचना होगा और इसकी स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो निश्चित सफलता मिलेगी अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो अपनी स्ट्रेटजी बनाए और उसके हिसाब से क्वेश्चंस करें और आगे बढ़े। समय आपका होगा, रिजल्ट आपका होगा। अब मैं एक छोटी सी बात करूं, अपने रिवीजन के साथ साथ अब आप क्या करेंगे, लास्ट टाइम में जब बचेगा फिर से दो या तीन दिन ज्यादा बचता है, उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट को दोबारा रिवाइज करें और देखें कि आपके साथ क्या होता है। लेकिन वैसे परीक्षार्थी, वैसे अभ्यर्थी जिनका परसेंटाइल 99% से ऊपर आया हो, वो एडवांस की तैयारी में लग जाए, वो मेंस से दोबारा फोकस ना करें, क्योंकि मिनिमम जो मार्क्स है उनके पास आ चुका है, दोबारा एग्जाम देते भी हैं तो मिनिमम तो रहेगा ही, उससे ज्यादा ही आना है, तो वो अपने लिए समय गवाए बगैर एडवांस की तैयारी में लग जाए। विशेष शुभकामना हमारी, मैं आपसे जल्द मिलूंगा आपके ही शहर में, कोटा से कुमार मनोज सर। थैंक यू। ओके माई डियर, बाय बाय, टेक केयर।